का डेली गेमिंग न्यूज बुलेटिन के अंदर मैं हूं निकिता रावत और यहां आपको मिलेंगी गेमिंग वर्ल्ड की टॉप अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की ओर। क्या एक ऐसी टीम को स्लॉट मिलना चाहिए जिन्होंने दो ऑफिशियल लैन इवेंट्स खेले हैं और हमेशा खुद को प्रूव किया है। मैं बात कर रही हूँ टीम इन्फर्नो स्क्वाड के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली एक स्टोरी पोस्ट की है जहाँ उन्होंने बताया है कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग All the required achievements, उन्हें एक थर्ड पार्टी 10 लाख के प्राइस पूल वाले टूर्नामेंट में स्लॉट नहीं दिया गया। प्लेयर्स एंड टीम का कहना है कि उन्हें उनकी मेहनत, स्ट्रगल और अचीवमेंट्स की वैल्यू दी जाए। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि उनके प्लेयर्स की फॉलोइंग कम है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इनकॉम्पिटेंट है। They are still on the growing phase. हमें लगता है कि हर उस टीम एंड प्लेयर को उनकी एक्चुअल अचीवमेंट के बेसिस पर स्लॉट मिलना चाहिए, क्योंकि वो उस इनवाइटेड कैटेगरी के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और किसी भी प्रकार की बायसनेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोअर्स नहीं होनी चाहिए। आप सबने रिसेंटली लियो वाईटी की स्टोरीज एंड एलिगेशंस को लेकर खबरें तो सुनी ही होंगी। उन्होंने मेंशन किया था रॉबिन ने डेमन से हैक करवाया था ड्यूरिंग पीएमसीओ 2020 और उस समय सारंग भी सेम टीम का पार्ट थे। अब इन्हीं एलिगेशंस को क्लियर करते हुए सारंग ने बताया है कि डेमन को आईफोन भेजा गया था बाय स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स, लेकिन डेमन ने कहा कि उनके हाथ इस डिवाइस पर सेट नहीं हो रहे हैं और इस वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद गेम बैन हो जाता है और डेमन बाकी टीममेट से उनके हिस्से के प्राइस पूल को भी मांगते हैं, ये धमकी देते हुए कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो हैकिंग की वीडियो अपलोड कर देंगे। देन सारंग को बताया गया कि डेमन ने हैक यूज किया था, उसके पहले तक उन्हें इस चीज का कोई आइडिया नहीं था और हैकिंग का सीन केवल रॉबिन ही जानते थे। सारंग ने कहा कि अगर उन्हें इस चीज का पता पहले होता तो वो कभी भी उस टीम का पार्ट नहीं बनते। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपने सुना एक बहुत ही फेमस गेम जो कि है पैल वर्ल्ड, वो अब मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर भी आने वाला है। ये अनाउंसमेंट कल यानी 2 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें क्राफ्टन ने पैल वर्ल्ड के ग्लोबल लाइसेंसिंग राइट्स हासिल कर लिए हैं। बात की जाए पैल वर्ल्ड की तो ये एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम है जिसमें प्लेयर्स 100 से ज्यादा यूनिक क्रिएचर्स यानी पैल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। पहले ये गेम स्टीम और एक्सबॉक्स पर लॉन्च हुआ था और अब ये प्लेस्टेशन 5 पर भी अवेलेबल है। पबजी स्टूडियोज इस गेम को मोबाइल पर अडेप्ट करेंगे, जिसमें एक्सप्लोरेशन, क्रिएचर ब्रीडिंग और सर्वाइवल गेम प्ले शामिल होगा। तो तैयार रहिए इस एक्साइटिंग कोलैबोरेशन के लिए, क्योंकि ये गेमिंग कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही शानदार एडवेंचर बनते हुए सामने आने वाला है।